पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौकरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है GS न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत बिहार की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मिले कोरोना के 1435 नए मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 182906। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1435 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 182906 हो गई है। चिराग को लेकर बीजेपी ने नहीं छोड़ी उम्मीद, नड्डा की बैठक के बाद बोले भूपेंद्र यादव, LGP है साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट बंटवारे का पैंच अब तक नहीं सुलझ पाया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने यह साफ कर रखा है कि वह बीजेपी के मौजूदा ऑफर को स्वीकार नहीं कर रही है और चिराग पासवान अपनी पार्टी की तरफ से विधानसभा के 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। लेकिन अब तक के चिराग पासवान को लेकर बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। CM नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सुशांत के परिजन, 20 मिनट तक हुई बातचीत। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिजन CM नीतीश कुमार से मिले। सुशांत के पिता, उसकी बहन और बहनोई CM नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग स्थित CM आवास पहुंचे। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सुशांत सिंह राजपूत के परिजन और CM नीतीश कुमार के बीच यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। सेंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी की 30 योजनाएं अगले साल में होंगी पूरी। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 30 अलग अलग योजनाओं पर काम चल रहा है। अगले साल सितंबर तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। नगर निगम में भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO सह नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने सेंडिस कंपाउंड के कार्यों की समीक्षा की। जैविक कतरनी की फसल का मूल्यांकन करने पहुंची BAU की टीम। जैविक कतरनी की फसल देखने BAU के वैज्ञानिकों की टीम जगदीशपुर पहुंची। वहां किसान राजशेखर के खेत में लगी फसल को टीम ने देखा और सफलता का मूल्यांकन किया। भागलपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र के नाम अलॉट हुई EVM। राजनीतिक दलों के नेताओं के समक्ष सातों विधानसभा क्षेत्रों के नाम की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को अलॉट कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार की देखरेख में इसे पूरा किया गया। सॉफ्टवेयर की सहायता से सभी EVM को 7 भागों में बांटा गया और उसे विधानसभा के नाम से अलॉट किया गया है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को चुनाव संबंधी जानकारी दी गई। कोरोना संकट के बीच JLMMCH का मेडिसिन विभाग 1 अक्टूबर से सामान्य मरीजों के लिए खुलेगा। कोरोना के कारण सामान्य मरीजों के लिए बंद रहा मेडिसिन विभाग 1 अक्टूबर से खुल जाएगा। 2 दिनों के अंदर 100 बेड वाले मेडिसिन विभाग में पहले की तरह सामान्य मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। इससे इमरजेंसी की गैलरी में जमीन पर गद्दा बिछाकर इलाज करा रहे मेडिसिन के मरीजों को सहायता मिलेगी। बाबरी विध्वंस केस में CBI कोर्ट के फैसले का सुशील मोदी ने किया स्वागत, कहा मैं घटना का चश्मदीद गवाह। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की CBI कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले का मैं चश्मदीद गवाह रहा हूं, वहां जो मंच बना था उसका मैं संचालन कर रहा था, यह कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। वहां पर उपस्थित जो भीड़ थी उसने आवेश में आकर पूरी घटना को अंजाम दिया। बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 मैट्रिक और इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सुधार 14 अक्टूबर तक। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर मैट्रिक और इंटर 2020 में उत्तीर्ण हुए छात्रों को अंक पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में त्रुटि सुधार का मौका दिया है। बिहार बोर्ड की माने तो मैट्रिक और इंटर 2020 के छात्र अंक पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में त्रुटि सुधार के लिए 30 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। सुधार के लिए आवेदन 14 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। बोर्ड ने मैट्रिक व इंटर 2019 मैट्रिक व इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2019 के अंक पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी सुधार करने का मौका दिया है।